Hi guys, welcome back to my channel Taruneet, Kaur. I hope you all doing well. So, आज मैंने try किया है ये chilli gobhi. मैंने घर पे बनाई है बहुत easily. Obviously, quarantine में आपको बाहर से तो कहीं से मिल नहीं सकती है. So, आप घर पे बना सकते हो. बहुत easy steps हैं. Only you should know कि basics आपको पता होना चाहिए cooking के कि क्या-क्या चीज़ कैसे-कैसे क्या-क्या डालनी है. That's it. आप बहुत easily इसको बना सकते हो. बहुत easy. Obviously, मुझे नहीं आती थी. So, I watched a couple of videos on YouTube or TikTok पे. तो बहुत easy है बना सकते हो and believe me बहुत ही ज़्यादा yummy बनी थी and you can try it at your home easily. Normally ये सब चीज़ें आपके पास घर पे होंगी कि आप ये बना सको. So let's see मैंने ये कैसे बनाई है. Easy and simple recipe. So let's start with the recipe now. अब हमने यहाँ पे पानी गरम रख लिया है और इसमें हम 3 चम्मच नमक डालेंगे. हमें इसमें नमक ज़्यादा डालना है ताकि गोभी जो है वो अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए. अभी हम इसमें सारी की सारी गोभी डाल देंगे जो मैंने यहाँ पे धोकर और काट कर रख ली थी. अब हम इसको एक उबाल आने पे बंद करेंगे. तो जब तक हमारी जो गोभी है वो बॉईल हो रही है तब तक हम इसका जो बैटर है जिसमें हम लेयरिंग करेंगे चिली गोभी के लिए तो वो हम रेडी कर लेते हैं. उसके लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर. मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है एंड मैदा और पानी चाहिए. तो सबसे पहले हम जितना कॉर्नफ्लावर डालेंगे, अभी मैं 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ और 3 टेबलस्पून ही मैदा लूंगी. जितना कॉर्नफ्लावर होगा उतना ही आप मैदा लोगे और आप इसको ऐसे रफली मिक्स कर लोगे. अभी हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक लाइक थिक जो है कंसिस्टेंसी का हम इसका एक मिक्सचर बनाएंगे. अब ये जो है इसकी थिक कंसिस्टेंसी एक हो चुकी है. अब हम और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी करेंगे कि हम इसकी लेयरिंग कर सके गोभी के ऊपर. पहले हमने थिक इसलिए करा था ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे और बाद में इसको जब हम इसको हम पतला करेंगे तो इसमें कोई भी लम्प्स नहीं आएगा. अभी हम इसको और पतला करेंगे. अब जो जो है हमारी गोभी जो है वो बॉईल हो चुकी है. अब हम गैस जो है वो ऑफ कर देंगे और हम इसमें सारा पानी जो है वो निकाल देंगे. अभी जो गोभी है वो हमारी जो है वो ठंडी हो रही है. ऑलमोस्ट हो चुकी है. हमने इसका पानी जो है वो निकाल दिया था. अभी जो हमने मिक्सचर रेडी करा था इसमें हम 1 बड़ा चम्मच जो है वो नमक का डालेंगे. अब हम इसको मिक्स करेंगे. अब ये जो गोभी है जो ठंडी हो चुकी है अब हम इस मिक्सचर में इसको डालेंगे. इसको हम लेयरिंग करेंगे. अब हम इसके ऊपर 2 टेबलस्पून सबसे पहले कॉर्नफ्लावर डालेंगे और 2 टेबलस्पून ही मैदा डालेंगे. और अब हम इसको फिर से मिक्स करेंगे. गोभी हमने इसलिए बॉईल करी थी ताकि वो अंदर से सॉफ्ट रहे क्योंकि जो चिली गोभी होती है वो अंदर से सॉफ्ट होती है और बाहर से क्रिस्पी होती है. सो उसको क्रिस्पी करने के लिए ही हम ये जो है कवरिंग कर रहे हैं. इसको हम लेयरिंग कर रहे हैं. अब ये जो है ये पूरा जो है वो कवर हो चुका है, लेयर हो चुका है. अब ये गोभी जो है अब हम इसको हम फ्राई करेंगे. इसको हमने 2 बारी फ्राई करना है. सबसे पहले हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे एंड फिर उसके बाद हाई फ्लेम पे. अब ये 1 बारी हमने गोभी जो है वो बॉईल कर ली है एंड हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करी है.
अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे और हम इसको फिर से जो है वो फ्राई करेंगे। अब ये हम जो गोभी जो है ये हमारी ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसको सेकेंड टाइम फ्राई करेंगे जो कि हमारा फाइनल फ्राई होगा। अब जो है वो फ्लेम जो है अब हम फुल पे रखेंगे, मीडियम पे नहीं रखनी है। फर्स्ट टाइम पे हमने मीडियम पे रखी थी, सेकेंड टाइम पे हम फुल पे रखेंगे। अब ये जो है सेकेंड वाला जो फ्राई था वो भी मेरा डन हो चुका है। बेसिकली इट्स अ फ्लैश फ्राई ताकि जो गोभी है वो बाहर से थोड़ी सी क्रंची रहे और अंदर से सॉफ्ट रहे। अब जो अब हम चिली गोभी की जो है वो सॉस बनाएंगे, तो उसके लिए हमको चाहिए ये मैंने लिया है थोड़ा सा ये स्प्रिंग अनियंस जो होते हैं वो, देन उसका ये ग्रीन पार्ट एंड और मैंने ये लिया है गार्लिक, ये मैंने ये हमें 2 से 3 चम्मच चाहिए एंड एक बड़ा प्याज जो कि मैंने इसको प्रॉपरली जो है वो चॉप कर लिया है। देन हमें चाहिए सोया सॉस, रेड चिली, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। अगर आपको जो है थोड़ा लाइटनिंग का इशू हो रहा होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग इशू है। सो ये जो है हमें चाहिए और ऑब्वियसली हमें ये चाहिए लाइक ऑयल चाहिए जिसमें हम बनाएंगे चॉप, एंड ऑल्सो हमें ये टमाटो केचप भी चाहिए टू बैलेंस दीज सॉसेस, रेड चिली को सोया सॉस को बैलेंस करने के लिए हमें ये टमाटो केचप भी चाहिए। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने जो है वो गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई जो है वो हमारी गर्म हो चुकी है एंड अब हम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच जो है वो हमने ऑयल डाला है। अब ये जो है जो ऑयल है वो हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच गार्लिक। फुल फ्लेम पे रखना है तो हमको इसको जो है वो स्टर करते रहना चाहिए ताकि ये सड़े ना। अब ये जो है हल्का हल्का जो है वो ब्राउन हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें अनियन जो हमने ऑलरेडी चॉप करके रखा था। अब ये जो स्प्रिंग अनियंस हैं ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हमने ऐसे ही मतलब रफली ही कट करे हैं, मैंने ज्यादा नहीं डाले हैं जस्ट फॉर यू नो टेस्ट। फ्लेम जो है वो हमारी हाई पर ही है तो हमें ये इसको बिल्कुल स्टर करते रहना है। थोड़े से स्प्रिंग अनियन में जो ग्रीन पार्ट होता है वो डाल देंगे। डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट लाइक ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून एंड ब्लैक पेपर ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून, नॉट फुल ऑफ 1 टेबल स्पून लाइक नॉर्मल पेपर। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालेगा। सॉल्ट हम इसलिए कम डाल रहे हैं, हमने ज्यादा नहीं डाला है क्योंकि जो सॉसेज होती हैं उनमें भी टेस्ट होगा सॉल्ट होगा। अब हम डालेंगे इसमें फुल 1 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस। अगर आप डार्क सोया सॉस यूज कर रहे हो, जैसे मैंने ये नॉर्मल वाला सोया सॉस यूज करा है, अगर आप डार्क सोया सॉस यूज कर रहे हो तो आपको उसका सिर्फ हाफ लाइक डालना है। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली, इनको बैलेंस करने के लिए डालेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप, ज्यादा नहीं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। बॉईल होने देंगे पानी को। अब हम एक कटोरी में 2 टेबलस्पून लाइक 2 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर लेंगे
और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें बॉईल हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ये हम 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे। ये हमने धीरे धीरे करके 2 टेबलस्पून करके हमने इसमें डालना है। अब इसमें हमने पहले पानी डाला था, इसको पतला किया था, फिर उसके बाद हम इसको ये मिक्सचर डाल के हम इसको थिक कर रहे हैं। रीज़न ये है क्योंकि जो हमने सॉसेस डाली हैं कॉन्स्टेंट फ्लेवर ना आए, इसीलिए हम इसको पहले हमने पतला किया है सॉसेस डाल के, पानी डाल के, एंड फिर हम इसको थोड़ा सा थिक कर रहे हैं। अगेन हम इसमें 2 टेबलस्पून डालेंगे, फिर हम इसको स्टर करेंगे। अब ये जो है हमारी सॉस रेडी हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे ये जो फ्राइड गोभी थी जो हमने फ्राई करी थी। एंड हम इसको एक मिक्स देंगे। हमारी चिली गोभी रेडी हो गई है, अब हम गैस कर देंगे ऑफ। Chilli Gobhi is ready. Thank you.